मॉर्निंग स्टूडेंट, आज पुनः ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। वर्कशॉप में जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो हम लोगों को पंच की जरूरत पड़ती है, और मार्किंग के दौरान जब हम पंच के ऊपर जब तक स्ट्राइक नहीं करते हैं तो मार्किंग कार्य संपन्न नहीं होता है। और जब हम लोग और भी अन्य काम, जैसे कि कोई भी चीज़ के ऊपर हमको चोट मारना है, स्ट्राइक करना है, जैसे हमको कांटी ठोकना है या कोई भी चीज़ को तोड़ना है, मोड़ना है, तो ऐसे समय में हमको एक विशेष प्रकार का टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उस टूल्स से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, उसे हम लोग हैमर कहते हैं। हैमर एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग हम लोग विभिन्न ऑपरेशंस में करते हैं। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि चोट मारने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है, मगर इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसका नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, उन ऑपरेशंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आइए एक एक करके उन ऑपरेशंस के बारे में जानें जो कि हैमर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले हम हैमर के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशंस में मार्किंग के बारे में चर्चा करेंगे। मार्किंग में जब हम लोग पंच की सहायता से हम लोग कोई भी लाइन को पक्का करते हैं, अर्थात वीटनेस मार्क बनाते हैं, तो वह प्रक्रिया मार्किंग कहलाती है। मार्किंग के बिना कोई भी जॉब का निर्माण करना संभव नहीं है। दूसरा, चिपिंग, जब चीजल के जरिए हम लोग कोई भी मेटल को के हिस्से को छीलते हैं या उसको छोटी छोटी चिप्स के मात्रा में के रूप में काटते हैं, तो उसे हम लोग चिपिंग कहते हैं। यह इस क्रिया में भी हैमर की ज़रूरत पड़ती है। फोर्जिंग, जब गर्म करके लोहे को हम लोग पीटते हैं और उसको एक विशेष आकार देते हैं, तो वह प्रक्रिया फोर्जिंग कहलाती है। इसमें हैमर का विशेष योगदान होता है। स्ट्राइकिंग, कोई भी चीज़ को ठोकना पीटना स्ट्राइकिंग कहलाता है। स्ट्रेटनिंग, हैमर के द्वारा कोई भी टेढ़े मेढ़े जॉब को सीधा किया जाता है, वह क्रिया स्ट्रेटनिंग कहलाती है। बेंडिंग, जहाँ कहीं भी हमको कहीं मेटल पर मोड़ने की ज़रूरत होती है, बंकन की ज़रूरत होती है, फोल्डिंग करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम लोग बेंडिंग करते हैं। यह क्रिया भी हम लोग हैमर के जरिए करते हैं। रिवेटिंग, रिवेट की सहायता से दो शीट्स को जोड़ने के लिए हैमर की ज़रूरत पड़ती है, यह क्रिया रिवेटिंग कहलाती है। यहाँ पर एक हैमर का फिगर दिखाया गया है। हैमर के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग पिन कहते हैं। हैमर के निचले भाग जिससे हम लोग प्रहार करते हैं और वह जो है फेस कहलाता है। पिन और फेस के बीच वाला भाग चीक कहलाता है, जिसके ऊपर हैमर का वजन लिखा हुआ रहता है और यह सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है। हैमर के अंदर एक होल होता है, उस होल को हम लोग आई होल कहते हैं, जिसमें हैंडल फिट किया जाता है। आई होल का शेप ओवल अर्थात अंडाकार होता है। इस ओवल आई में हम लोग हैंडल को फिट करते हैं। हैंडल को भी ओवल रखा जाता है और हैंडल जो है सॉफ्ट लकड़ी का बनाया जाता है, मुलायम लकड़ी का बनाया जाता है। अभी नहीं, हैमर में हैंडल फिट करने के लिए उसमें वेजेज का भी प्रयोग करते हैं, ताकि वो हैंडल आसानी से बाहर नहीं निकले। वेजेज का मतलब होता है पच्चड़। इस प्रकार हम लोग हैंडल के सभी पार्ट्स को जान लिए। इसके भाग्य को, नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग को हार्डेंड कठोरीकृत कर दिया जाता है। हैमर का मटेरियल, हैमर किस मटेरियल का बनता है यह जानना बहुत ही जरूरी है। हैमर अक्सर कास्ट स्टील, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। हैमर का स्पेसिफिकेशन, बाजार में जब हैमर खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं तो हमको क्या बताना होगा, हमको वजन और उसका शेप बताना होगा, इसे ही हैमर का स्पेसिफिकेशन कहते हैं। हैमर का स्पेसिफिकेशन उसके वजन और उसके शेप से तय होता है।
जैसे 0.22 केजी का बॉल पेन हैमर, यहाँ पे 0.22 केजी उसका वजन है और उसका शेप चूंकि बॉल आकार का है इसलिए उसे हम लोग बॉल पिन हैमर भी कहते हैं। हैमर को हम लोग निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक हैंड हैमर, जिसका प्रयोग हम लोग हाथ के द्वारा करते हैं और इसका वजन 125 ग्राम से 1.5 किलोग्राम होता है। नंबर दो स्लैज हैमर, स्लैज हैमर का वजन 2 किलो से 10 किलोग्राम के बीच होता है और इसका प्रयोग हम लोग हैवी कार्य के लिए करते हैं और ब्लैक स्मिथ शॉप में जहाँ पर फोर्जिंग क्रिया की जाती है वहाँ पर स्लैज हैमर का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट हैमर और पावर हैमर, आइए हम लोग हैंड हैमर के प्रकार के बारे में जानते हैं और इसका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहाँ पे बॉल पिन हैमर का फिगर दिखाया गया है। बॉल पिन हैमर का पिन शीर्ष भाग जो है बॉल के आकार का होता है इसलिए इसे हम लोग बॉल पिन हैमर कहते हैं। बॉल पिन हैमर का वजन 125 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक होता है और चूंकि ये पिन का प्रयोग बॉल पिन में हम लोग रिवेटिंग वर्क के लिए करते हैं और उसका फेस का प्रयोग सामान्य रूप से जो है स्ट्राइकिंग के लिए किया जाता है। बॉल पिन का हम लोग सामान्यतः प्रयोग मार्किंग, चिपिंग और रिवेटिंग के लिए करते हैं। रिवेटिंग में हम लोग ऊपर का पिन का प्रयोग करते हैं। चूंकि हैमर का फेस थोड़ा कन्वेक्स टाइप का होता है इसे जानबूझ के रखा जाता है थोड़ा कन्वेक्स, अर्थात इसका कन्वेक्स रखने का कारण यह है कि जब हम मेटल पे प्रहार करते हैं तो यह मेटल में धंसता नहीं है। बॉल पिन हैमर के पार्ट्स को आप लोग जान ही चुके हैं, ऊपरी भाग को पेन, निचले वाले भाग को फेस, आई होल, हैंडल और बीच वाला हिस्सा जिसको कि अक्सर सॉफ्ट रखा जाता है चिक कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हैमर का हैंडल सॉफ्ट रखा जाता है, वो सॉफ्ट वुड का बनाया जाता है क्योंकि हैमर को हाथ से पकड़ते हैं, अगर कड़ी लकड़ी का प्रयोग किए तो हाथ में छल्ले पड़ सकते हैं। हैंड हैमर का दूसरा प्रकार क्रॉस पिन हैमर है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं ये क्रॉस पिन हैमर का फोटो है। क्रॉस पिन हैमर बॉल पिन हैमर के समान ही है मगर उसका जो पेन है, पेन का एक्सिस देख रहे हैं ये इस साइड से है और हैंडल का एक्सिस एक दूसरे को काटता है। पेन का क्रॉस पेन का एक्सिस हैंडल के एक्सिस को क्रॉस करता है इसलिए इसे क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग आंतरिक कोने में मतलब जहाँ कहीं पर कॉर्नर है वहाँ पर चोट मारने के लिए, ग्रूव्स का निर्माण करने के लिए, चैनल्स का निर्माण करने के लिए शीट मेटल वर्क में करते हैं। आइए अब हम स्ट्रेट पेन हैमर का पिक्चर देखते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर, इस हैमर का पिन हैंडल के सीध में बनी होती है तथा इसका फेस फ्लैट होता है। शीट मेटल वर्क में नालियां और चैनल बनाने में इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका वजन 125 ग्राम से 1.5 किलो के बीच होता है। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि हैंडल जिस ओर है, हैंडल का जो एक्सिस है और इसके पेन का एक्सिस एक ही सीध में है इसलिए इसे स्ट्रेट पेन हैमर कहते हैं। आइए अब हम एक और हैमर जिसको कि आप लोग सेंटरिंग मिस्त्री के पास देखते होंगे जो कि लकड़ी का कार्य करते हैं और कील उखाड़ने के लिए इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। इस हैमर के द्वारा हम लोग दीवार में नेल को ठोकते भी हैं और आवश्यकता अनुसार जब उखाड़ने की जरूरत होती है तो ये जंबो के द्वारा कांटी फंसाकर
काठी को उखाड़ लिया जाता है। क्लॉ हैमर का प्रयोग हम लोग नेल ठोकने और उसे उखाड़ने के लिए करते हैं। इस फिगर में हम लोग बॉल पेन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर तीनों हैमर का फोटो एक बार फिर देख रहे हैं। बॉल पिन हैमर का पेन बॉल के समान, क्रॉस पिन हैमर का जो एक्सिस है, पिन का एक्सिस वो इधर से इधर है और हैंडल का एक्सिस इस प्रकार है, अर्थात एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसे क्रॉस पिन हैमर कहते हैं, इसे पहचानिए। स्ट्रेट पिन हैमर का हैंडल का एक्सिस इस साइड है और पेन का भी एक्सिस इस साइड ही है, मतलब कि हैंडल का एक्सिस और पेन दोनों पैरेलल है, इसलिए इसे हम लोग स्ट्रेट पेन हैमर भी कहते हैं।